नमस्कार दोस्तों डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है आज की मुख्य खबरें इंडियन या चीनी मिसाइल साउथ अमेरिका देश के साथ एक बड़ी डिफेंस डील के लिए भारत और चीन में लगी रेस ब्राजील के एयर डिफेंस मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत और चीन के बीच प्रतियोगिता देखने को मिल रही है भारतीय आकाश मिसाइल से चीनी स्काई ड्रैगन फिफ्टी को चुनौती दे रही है नवीनतम रिपोर्टों में से संकेत मिलता है कि ब्राजील की सेना एयर डिफेंस सिस्टम का मूल्यांकन कर रही है यह मूल्यांकन ब्राजील की सेना की तरफ से 21 जून को जारी अध्यादेश के बाद हो रहा है नो, नोटिफिकेशन मध्यम ऊंचाई उच्च ऊंचाई वायु रक्षा तोपखाना प्रणाली प्रोजेक्ट के अधिकरण के लिए जारी किया गया था अगला ना यूएस ना चीन भारत का पीछा करने में छूट रहे ड्रैगन के पसीने आंकड़ों से खोल दी अमेरिका की पोल दुनिया की दो पावरफुल देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ती जा रही है अमेरिकी जा, अमेरिका जहां कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है तो वहीं चीन की इकोनॉमी उसके लिए चुनौती बनती जा रही है राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी हैं चीन की सुस्त विकास दर के आंकड़ों ने चीन की इकोनॉमी की पोल दुनिया भर के सामने खोल दी है भारत को चुनौती देने वाला ड्रैगन ड्रैगन फिलहाल हाफ रहा है भारत की विकास की गाड़ी जहां अनुमान से तेज भाग रही है वहीं चीन की विकास दर सुस्त हो गई है बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स के आंकड़े पेश किए गए जो चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तिमाही में चीन की विकास दर चार दशमलव सात फीसदी है जबकि पहली तिमाही में यह पाँच दशमलव तीन फीसदी थी चीन की विकास दर अनुमान से पीछे होती जा रही है अगर भारत की बात करें तो उसके अनुमानों के पीछे छोड़ते हुए दूसरे तिमाही में सात दशमलव फीसदी विकास दर के लक्ष्य को हासिल किया अगला रूस ने अपने सैनिकों से कहा अमेरिकी फाइटर जेट मारकर गिराओ एक दशमलव इकतालीस करोड़ रुपए का इनाम पाओ रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को कहा है कि जो सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट एफ पंद्रह और एफ सोलह को मारकर गिराएगा उसे सरकार की तरफ से 15 मिलियन रूबल्स मिलेंगे यानी एक दशमलव इकतालीस करोड़ रुपए रूस ने घोषणा इसलिए की है क्योंकि अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे फाइटर दे रहे हैं 16 जुलाई 2020 को रूस की एक तेल निकालने वाले यंत्रों को निकालने वाली कंपनी ने यह ऑफर दिया कि जो रूसी लड़ाका एफ सोलह या पंद्रह को मार कर गिराएगा उसे पंद्रह मिलियन रूबल्स दिए जाएंगे कंपनी ने यह ऑफर अपनी तरफ से रूसी रक्षा मंत्रालय को दिया इस खबर की पुष्टि रूस की समाचार एजेंसी तास ने भी किया है अगला क्या कमला हैरिस बनेगी अमेरिका की राष्ट्रपति बाइडेन ने की ऐसी भविष्यवाणी लगने लगी अटकले क्या भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं चौकिए मत यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुले मंच से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं बाइडेन की पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने उन पर काफी दबाव बनाया जा रहा है कि खुद इस बात का ऐलान कर दें लेकिन अब तक ट्रम्प झुकने को तैयार नहीं थे मगर मंगलवार को एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी कर डाली अगला भारतीय हेलमेट माउंटेड साइट्स लगाए दिखे आर्मीनियाई सैनिक पाकिस्तान के दोस्त अजहरबैन की उड़ेगी नींद आर्मीनियाई सैनिकों को अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत निर्मित हेलमेट माउंटेड थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पहने देखा गया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में इन सैनिकों को बेंगलुरु स्थित फर्म डॉनबो इमेजिंग के बनाए गए थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पहने हुए दिखाया गया है ये साइट्स उन कई रक्षा संबंधी उपकरणों में से हैं जिन्हें आर्मेनिया ने अजरबैन के साथ युद्ध में हारने के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से खरीदा है इस उस अगला है हवाई जहाज जितना बड़ा एस्ट्रॉयड आया धरती के करीब सात किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड धरती के लिए कितना खतरा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि हवाई जहाज के आकार के एक विशाल काय एस्ट्रॉयड यानी शूद्र ग्रह तिहत्तर हजार पचपन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है स्पेस एजेंसी ने बताया कि इन शूद्र ग्रहों की लिस्ट जारी की है जो अगले आठ नौ दिनों में धरती के करीब आ सकते हैं इनमें से सबसे बड़ा शूद्र ग्रह जो है वो सतासठ मीटर यानी 220 फीट के आकार का है जिसे वैज्ञानिकों ने 2024 थाउजेंड नाम दिया है यह आज 17 यह 17 जून को धरती के करीब होगा नासा के खगोल की टीम इस एस्ट्रॉयड के मार्ग पर नज़र बनाए हुए है धन्यवाद